टू हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं आ गया हूँ ये एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द हॉलोएड गॉड आर्केस एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेन। हाँ गाइस, एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ मैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा कि एनिमे में तो बिना इंट्रो के स्टार्टिंग तो होगा नहीं। तो हाँ, तो सबसे पहले जो है एनिमे में इसके भी एपिसोड 2 में भी जो इंट्रो लगाया जाता है, तो इंट्रो के बाद जो है हमारा मेन एपिसोड स्टार्ट होता है। और गाइस अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि 1 नहीं देखोगे तो 2 कैसे समझ में आएगा यार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जाके एपिसोड 1 देख लो। तो एपिसोड शुरू होता है, एश गो और डॉन जो टीम गैलेक्टिक के अड्डे पर पहुँचते हैं क्योंकि पिकाचू को पता चल गया था कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही वह वहाँ पहुँचते हैं उन्हें कुछ पोकेमॉन दिखते हैं जो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। फिर डॉन अपने पिपलप को भेजती है और उसे व्हर्लपूल यूज़ करने को बोलती है, जिसके बाद वो पोकेमॉन ठीक हो जाते हैं लेकिन बहुत डरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ होने लगता है और लेक गार्डियंस वहाँ आते हैं। सब उन्हें देखकर जो है चौंक जाते हैं। फिर वहाँ आर्केस आता है, सब उसे देखकर और भी शॉक हो जाता है। फिर आर्केस वहाँ से चला जाता है और लेक गार्डियंस भी वहाँ से चला जाता है। वहीं टीम गैलेक्टिक जो है हीटरन के पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर हमें कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है टीम गैलेक्टिक के लीडर के। टीम गैलेक्टिक अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और स्पेस टाइम गेट को खोलने की तैयारी करती है। टीम गैलेक्टिक अपनी दुनिया बनाना चाहती है जैसे उनका लीडर करना चाहता था। पिछले एनिमे में हमें दिखाया गया था पीछे में। वहीं एश गो और डॉन पोकेमॉन सेंटर आते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात ब्रॉक से होती है और ब्रॉक को देखकर वो जो फिर से एक बार चौंक जाते हैं। और एश जो है बहुत खुश होता है कि उसका पुराना दोस्त, तुमको पता ही होगा कि एश और ब्रॉक की जोड़ी तो भाई बहुत ही कतई ज़बरदस्त जोड़ी है, तो उसका पुराना दोस्त जो है वहाँ पर आया हुआ होता है। फिर ब्रॉक जो है सबसे बातें करते हैं और टीम गैलेक्टिक अपनी मशीन स्टार्ट करने के लिए तैयार थी और हीटरन को अपनी एनर्जी यूज़ करने के लिए जो है, क्योंकि हीटरन को तो उन्होंने पकड़ लिया था तो हीटरन जो उनकी बात मानता था तो हीटरन को अपनी एनर्जी यूज़ करने के लिए बोलती है और उस एनर्जी से वो अपनी मशीन को जो है स्टार्ट करेंगे और स्पेस टाइम गेट को खोलने की कोशिश करेंगे। हीटरन मेगा स्टॉर्म यूज़ करता है। हीटरन अपनी सारी एनर्जी जो है यूज़ करता है कि वो जो है स्पेस पोर्टल को जो है खोल सके, लेकिन यहाँ पर हो जाती है इनसे एक गलती, क्योंकि हीटरन अपनी इतनी पावर जो है यूज़ कर लेता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और टीम गैलेक्टिक का मशीन जो है ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ मशीन ही नहीं, उनका पूरा का पूरा अड्डा जो है ब्लास्ट हो जाता है और जितनी सारी एनर्जी हीटरन से निकली थी वो वापस जो है हीटरन के अंदर में ही समा जाता है, हीटरन के अंदर में जो है एंटर हो जाता है फिर से। हीटरन इतनी एनर्जी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जो है उस अड्डे से जो है टीम गैलेक्टिक का जो अड्डा था वहाँ से जो है बाहर निकल जाता है। अब जो है हीटरन सबके लिए खतरा बन चुका था, वो चाहे तो जो है थोड़ी देर में पूरे के पूरे जंगल को जो है बर्बाद कर सकता था, इसलिए जो है वो खतरा बन चुका था अब पूरे सिनो के लिए। ऐश और उनके दोस्त ये सब देख कर जो है उसे रोकने की सोचते हैं लेकिन टीम गैलेक्टिक उन्हें ऐसा करने के लिए जो है नहीं देती है। टीम गैलेक्टिक जो है ऐश और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करती है। अब उनके बीच में जो है बैटल होती है। उसके बाद जो है वहाँ पर जो है आर्केस जो है लेक गार्डियंस को बुलाता है और लेक गार्डियंस को जो है हीटरन से बात करने लेक गार्डियंस जो हीटरन से बात करने की कोशिश करते हैं, बट हीटरन की ताकत जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जो है अपने रूप बदल लेता है। वो जो है अपने नॉर्मल रूप से बहुत बड़ा रूप में आ जाता है, लेकिन फिर भी जो है उससे जो है बात करने की कोशिश करते हैं लेक गार्डियंस, लेकिन यार वो बात करने के मूड में ही नहीं होता है, उल्टा जो है लेक गार्डियंस पर हमला कर देता है। तो गाइस यहीं पे जो है वीडियो, यहीं पे एपिसोड 2 जो है ख़त्म होता है। और एपिसोड 2 कैसा लगा यार? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एपिसोड 3 जो है तुमको कल सुबह मिल जाएगी। तो यार एपिसोड 3 देखने के लिए जो है मैं भी, मतलब तुम बेताब हो मुझे पता है, तो एपिसोड 3 जो है तुम्हें कल तक मिल जाएगा। तो यार एपिसोड 2 कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहीं पे जो एपिसोड 2 ख़त्म होता है, तो मिलेंगे एपिसोड 3 के साथ कल। तो तब तक के लिए बाय बाय।